नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। इस पौधे के बारे में आयुर्वेद के व्यास मुनि ने कहा है कि अकेला ही 100 हाथी जितना बल दे सकता है, जीवन की दशा ही पलट सकता है, अति धनवान और यवनवान और गुणवान बना सकता है। दोस्तों, ये पौधा आपकी रात को हसीन कर देगा। ये कोई साधारण पौधा नहीं है, बहुत ही चमत्कारिक और लाभकारी पौधा है। इसका एक पत्ता खाते ही आप रात भर कुश्ती खेलोगे। ये हमारे नीचे वाले हिस्से पर गजब की गर्मी पैदा करता है, मर्दों के लिए पावरफुल टॉनिक है। दोस्तों, इस पौधे को आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए। ये पौधा आपने अपने घर के आसपास भी देखा होगा और इस पौधे को आप लोगों ने हमेशा नज़रअंदाज ही किया होगा। लेकिन यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पौधे को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। इस पौधे को बहुत ध्यान से देखें। इस पौधे से आपकी गरीबी, निर्धनता, दरिद्रता दूर हो जाएगी। आपको आपके भाग्य का साथ पूरा पूरा मिलेगा। सुख समृद्धि, रुपए पैसे आपके घर पर आएंगे और अगर आपको कोई भी रोग है, कोई बीमारी है, वह रोग आपसे दूर चला जाएगा। दोस्तों, ये पौधा नहीं है, इसको भारतीय पुराणों के हिसाब से एक डायमंड माना गया है, एक हीरा पौधा माना गया है। आपको बता दें, कई लोग अपने घर के आसपास इस पौधे को देखने के बाद इस पौधे को उखाड़कर फेंक देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन आज के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम इस पौधे के बारे में वह आपको जानकारी देंगे जो आप लाखों रुपए खर्च कर देंगे तब भी आपको यह नहीं मिलेगी। लेकिन इस वीडियो अगर आपने देख लिया और इस पौधे का सही से इस्तेमाल समय पर कर लिया, समझ कर लिया, तो आपको आपके जीवन में लाखों रुपए का फायदा फ्री में, मुफ्त में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग आयुर्वेद पर जरा सा विश्वास रखते हैं तो एक बात समझ लीजिए, हिंदू पुराण के हिसाब से आयुर्वेदिक तरीके से इस पौधे को एक हीरा माना गया है। इस पौधे की जड़ को एक हीरे का स्वरूप माना गया है। आपको बता दें कि आप अगर अपना पूरा जीवन भी लगा देंगे तो आयुर्वेद की भाषा को समझ नहीं पाएंगे। धन है उन लोगों का, उन गुरुओं का, जिन्होंने आयुर्वेद को इतना आसान कर दिया, इतना सरल कर दिया कि आज भी आयुर्वेद हमारे भारत के काम आ रही है। दोस्तों, भारत में आयुर्वेद को इज्जत बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि चाहे योग हो, चाहे आयुर्वेद हो, विदेशी लोग उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं। विदेशी हमारी ही जानकारी लेकर यहां से जाते हैं और उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं और अपना सुखमय जीवन जीते हैं। इस पौधे को कभी पानी की जरूरत नहीं होती, यह अपने आप अपना रास्ता बना लेता है, अपना रास्ता ढूंढ लेता है और रुक जाता है। और अगर आपने इस पौधे का उपयोग सही तरीके से कर लिया तो यकीन मानिए, आपके जीवन में आपको कभी भी कष्ट नहीं होगा, आपको रोगों से छुट्टी मिल जाएगी। अगर कोई महिला संतान कष्ट से परेशान है तो इस पौधे में दिव्य ताकत होती है, ऐसा हिंदू पुराणों में भी लिखा है। जिसे आपके घर में अगर कलह कलेश होती है वह चली जाएगी, आपके घर में भूत प्रेत है वह भाग जाएगा, एवं धन के आने के कई रास्ते खुल जाएंगे। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए, इस पौधे का नाम है गूलर। जी हाँ दोस्तों, इसको महाबली भी कहा जाता है। गूलर महाबली नाम से स्पष्ट है कि यह अत्यधिक इसमें बल होता है, मर्दों को बल देता है, औरत को खुश करता है। मर्द के द्वारा इसको खाने पर औरत संतुष्ट होकर आनंददायक जीवन का अनुभव कर लेती है। आपको बता दें कि अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आप शरीर की प्रोटीन की पूर्ति के लिए मल्टीविटामिन दवाइयां खाते हैं और खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि यह फ्री में मिलने वाला पौधा हर मल्टीविटामिन आपकी पूरी कर देगा। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। तो गूलर का पौधा जो होता है उसको मर्दों के लिए काफी ताकत भी मानी गई है। आयुर्वेद के हिसाब से आपको बता दें कि कई लोग अपने जीवन में इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि उनके घर का माहौल अच्छा नहीं होता, अपनी पत्नी से उनकी लड़ाई झगड़े होती रहती है, उसके लिए भी यह पौधा आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, गूलर का फल खाने से जितना अच्छा लगता है उसके उतने ही फायदे भी होते हैं। अंजीर की तरह देखने व इस छोटे से फल
कई तरह की खूबियां होती है। ये छोटे से दिखने वाले फल में भी भरपूर मात्रा में औषधि गुण मौजूद होते हैं। गला संबंधी कई परेशानियों के काम आ सकता है। गुलर फल में प्रोटीन, कॉपर, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस, ये सभी तत्व देखने में मिलते हैं, सभी गुण मौजूद होते हैं। चलिए, गुलर का फल खाने से लाभ हमें देखने को भी मिलते हैं। तो अगर आपको इसका फल मिलता है तो 3 से 4 फल रोज खा लीजिए। इसके फल को आप अच्छे से धोकर साफ करके ही खाया कीजिए। आप यकीन मानिए, ये आपके शरीर में ताकत देगा, ताकत को बढ़ा देगा। मधुमेह में यानी कि डायबिटीज का स्तर कम करता है, कब्ज को दूर करता है, दस्त को रोकता है और कमजोरी दूर करता है। इस पौधे में 10 हाथी का बल होता है, 10 घोड़ों के बराबर बल खींच लेता है ये। इसकी छोटी सी जड़ को पहले आप निकालकर धूप में सूर्य की सीधी धूप में सुखा लें और उसके बाद इसकी जड़ को ताबीज में भरकर उसके साथ तुलसी की भी सूखी लकड़ी को पानी की दोनों को ताबीज में डालकर गले में पहन लें। आप यकीन मानो दोस्तों, इस पौधे में कई दिव्य गुण छुपे होते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि गुलर वृक्ष में और तुलसी में साक्षात नरसिंह देव, श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी वास करते हैं। इसलिए जिसके गले में भी यह जड़ होती है, गुलर की जड़, तो मृत्यु के बाद उसे नरक नहीं जाना पड़ता, वह भगवान के धाम में जाता है और सुख भोगता है। साथ ही लक्ष्मी नारायण की तरह पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। और यह शास्त्रों में प्रमाणित बात है कि सच्ची बात है। अगर आपको लगता है कि आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो आपको बता दें कि इसकी 3 पत्तियां लीजिए और घर की कोई भी आलमारी है, चाहे लकड़ी की हो आलमारी या फिर लोहे की हो, एल्युमिनियम की हो, उस आलमारी के ऊपर इसको रख दीजिए और रखते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए। किसी बुक में तुलसी के पत्ते के साथ दोनों को दबाकर आलमारी के ऊपर रख दें और उसको 1 महीना उस जगह से मत हटाइए। सिर्फ इतना करके एक बार करके आप जरूर देखेगा, आपको इसका बहुत अधिक लाभ मिलेगा। नकारात्मक ताकत जो है आपके घर में होगी, निगेटिविटी जो आपके घर में होगी, वो अपने आप जाने लग जाएगी। आपके घर का माहौल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप अगर छोटी छोटी बात पर अपनी अर्धांगनी से, अपनी माता पिता से बहस हो जाती है, वह बंद हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप ऐसे जगह रहते हैं जहां पर भूत प्रेत का आवास है, आपको रात में डर लगता है, कि आपको लगता है कि आपके ऊपर नेगेटिविटी आती है, बुरा साया आता है किसी आत्मा के कारण, तो आप लाल कपड़ा लीजिए, उसमें इसकी गुलर की जड़ को आप बांध लीजिए और उसमें एक हनुमान चालीसा की छोटी सी पुस्तक भी रख लीजिए और मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करके इसमें हनुमान जी के शरीर में लगा हुआ थोड़ा सा सिंदूर निकालकर इसमें डालकर घर के मुख्य दरवाजे में बांध दीजिए और रोज इस पोटली की पूजा कीजिए। इसके नाम की एक दीपक सुंदर यानी कि सुबह शाम जलाया कीजिए रोज। आप यकीन मानिए, अगर आपको कोई भी ऐसी बुरी ताकत काम करने से रोक रही है तो वह नष्ट हो जाएगी, बुरी शक्तियां घर से भाग जाएगी, घर परिवार हमेशा सुरक्षित रहेगा, आपका भाग्य साथ देने लगेगा, आपकी तरक्की बढ़ जाएगी। उसमें यह पौधा आपकी मदद करेगा। और ये बातें हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, गुलर पौधा हिंदू पुराण के हिसाब से एक हीरा डायमंड पौधा है। दोस्तों, आप अगर लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे, आपको ऐसी जानकारी कहीं भी जानने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।